दो तीन चीजें बता देता हूँ कि अभी कितने टीम यहाँ पे जिंदा है। तीन टीम्स ऑफ कोर्स एंड 10 प्लेयर्स। गॉडलाइक के तीन प्लेयर्स हैं, सामने आपको टीम माफियाज दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रेवरेंट है। एंड एक चीज तो कहना पड़ेगा, गॉडलाइक अभी टेबल टॉप कर रहे हैं, ये लोग अभी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एंड इस मैप में आई थिंक गॉडलाइक का ही बूया होना चाहिए। तो मैं अगर सवाल पूछूं आप लोगों से इस मैप में कौन बूया निकालेगा, ऑफकोर्स मेरा जवाब तो गॉडलाइक होगा, क्योंकि गॉडलाइक के पास सर्कल का इतना अच्छा खासा पोर्शन है, ठीक है। एंड यहाँ से उनको बस माफिया को टेक डाउन करना है, बाकी सामने जितने भी प्लेयर्स हैं ये टीम माफिया के, डिलीट आपके बाला ड्रेगो सबको नीचे आना है, सबको सर्कल के अंदर घुसना है। एंड इस चीज़ का फायदा उठा सकते थे ये सारे प्लेयर्स। अब सिचुएशन देखिए क्या होता है, क्योंकि रेवेनेंट के प्लेयर्स भी जिंदा थे इस मौके पे। अब गॉडलाइक के प्लेयर्स राइट हैंड साइड पे, रेवेनेंट के आसे में यहाँ पे, ठीक है। गॉडलाइक के प्लेयर्स देखिए बहुत क्लोजली फाइट आउट कर रहे हैं। अब गिनोत्रा यहाँ पे स्पॉट करते हैं रेवेनेंट को, ये तो एक नॉर्मल गेमा गेमी वाला सिचुएशन है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है। एक्सप्लेनेशन तो इसके बाद आता है एंड सिचुएशन तो इसके बाद आता है, ठीक है। अभी गिनोत्रा ने देखिए, गिनोत्रा और आपके जो प्लेयर्स हैं ना यहाँ पे, यहाँ पे सिचुएशन असली शुरू होता है, ठीक है। गिनोत्रा यहाँ पे नॉक्ड आउट हुए हैं, ठीक है। आकाशदीप और डैमेजर माने अभय आपके यहाँ पे जिंदा है, नॉक्ड आउट पड़ा हुआ है गिनोत्रा तो अभी भी फिलहाल के लिए, बट उन्होंने यहाँ पे ड्रेगो को नॉक किया। आकाशदीप ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो ओपनिंग होता है, जिस प्लेयर को यहाँ पे सर्कल का अच्छा खासा पोर्शन चाहिए, जिस टीम को चाहिए, यहाँ पे ड्रेगो को नॉकआउट दे रहे होते हैं, ठीक है। एंड डिलीट का भी पोजिशन यहाँ पे स्पॉट कर लेते हैं, ठीक है। बट मुझे एक चीज यहाँ पे ये समझ नहीं आता है कि उनको माफिया का पोजिशनिंग कैसे नहीं दिखा, माफिया का पोजीशनिंग किसी ने नहीं देखा। ये जो प्लेयर यहाँ पे बंदा इतने देर से स्नाइपर टावर पे होल्ड करा हुआ है, किसी ने स्पॉट नहीं किया इस चीज को, ठीक है। अब डैमेजर को देखिए, डैमेजर भी यहीं पे खड़े हुए हैं, माफिया बाला को भी नॉकआउट कर दिया है। 2v2 सिचुएशन, मतलब ये सिचुएशन में भी हम कह सकते हैं कि यार गॉडलाइक के पास ही है भूया, गॉडलाइक ही भूया निकालने वाली है, बट किसी को नहीं पता कि माफिया यहाँ पे उनके सिर के ऊपर आ चुके हैं। डैमेजर को देखिए सिचुएशन में, ठीक है, माफिया को डन करते हैं। अब डिलीट को देखिए, ठीक है, डिलीट को देखिए। और ऑफ कोर्स अगर उस प्लेयर का पोजीशनिंग नहीं पता होगा, वो प्लेयर जब आपके सामने आएगा आप उसको टेक डाउन करोगे। डिलीट ने यहाँ पे घुस के पहले तो यहाँ पे टेक डाउन करते आकाशदीप को, एंड पहले ऑफ कोर्स पहले डैमेजर को खत्म किया, उसके बाद यहाँ पे सिचुएशन को कन्वर्ट किया गया। 1v2 सिचुएशन, डिलीट ने यहाँ पे क्लच आउट कर दिया, जो सिचुएशन टीम माफियास को होना नहीं चाहिए था, जो गॉडलाइक का होना चाहिए था। अब फिर से मैं आप लोगों को ना थोड़ा पॉज एंड प्ले करके दिखाता हूँ कि ये सिचुएशन हुआ क्या। देखिए डैमेजर और आकाशदीप दोनों राइट हैंड साइड पे, ये जो प्लेयर राइट हैंड साइड से आया ये माफिया आया, ठीक है। डैमेजर बाहर निकला, माफिया का राइट हैंड साइड पे जो प्लेयर ऑलरेडी सिर के ऊपर, क्योंकि ग्रैपलिंग निकाले कूद के माफिया इसके टेंट के ऊपर आया था, फिर राइट हैंड साइड से नीचे उतरा, डैमेजर बाहर निकला, ठीक है। फोकस सबका उधर है, आकाशदीप अभी राइट हैंड साइड पे क्रॉसिंग कर चुका है, ये रहा, ठीक है। डिलीट का देखिए फुल एचपी, डिलीट को किसी ने स्पॉट आउट नहीं किया। ये होता है अवेयरनेस कि दो प्लेयर साथ में नहीं खेल रहे, कॉल आउट नहीं दे रहे, और एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही था कि माफिया का पोजीशनिंग नहीं देखा था गॉडलाइक के प्लेयर्स ने, जिस वजह से ये सिचुएशन कन्वर्ट हुआ। एंड कूडोस टू डिलीट कि उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया एंड टीम माफिया के खेमे में एक भूजा कन्वर्ट किया। बट मुझे तो ये थोड़ा सा फनी भी लगा, एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अगेन, जो उस दिन मैंने ओजी इलीट के लिए कहा था कि प्लेयर्स थोड़ा सा पोजीशनिंग का ध्यान नहीं रख रहे कि कहाँ पे पोजीशन कर लेते हैं। एक चीज़ तो है कि मैं आप लोगों को जरूर से क्लियरली बताना चाहूँगा, दैट इज़ कि यू नो, जब भी आप ऐसे बैटल रॉयल गेम्स खेलते हो आपका पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सर्कल है और आपके पास पोजीशनिंग नहीं है, आप घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, आप घंटा कुछ नहीं है एडवांटेज कन्वर्ट कर पाओगे। एडवांटेज वही ले लेगा जिसके पास पोजीशनिंग होगा, वो आपके सिर के ऊपर कब आ गया अगर आपको पता भी नहीं लगा तो आपके तो खैर नहीं। एंड आई थिंक डिलीट ने यहाँ पे जो क्लच किया काबिले तारीफ था, उन्होंने इस सिचुएशन में अपने फेवर में कन्वर्ट करके दिया। सो दैट वाज इट, यही छोटा सा प्ले आप लोगों के लिए बताना था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए भी जो अंडरडॉग्स हैं, जो अंडररेटेड प्लेयर्स हैं, आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हो कि कितना अवेयरनेस, कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए गेम के अंदर जो आप खेल रहे हो। पैनिक ऑफ कोर्स नहीं करना है, पैनिक करोगे तो आप खो बैठोगे एंड आप यू नो उस सिचुएशन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे अपने फेवरेट मैच को। सो ये वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे, आई होप कि आप लोगों को मजा आया। कमेंट में जरूर से बताना कि क्लच कैसा लगा डिलीट का, एंड ऑफ कोर्स बताना कि कैसा लगा एनालिसिस आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।